Hello and welcome to DNA editors table I am Chitresh and with me is Tanveer and today we'll be discussing the exit polls of the Lok Sabha elections 2024 and could they are they accurate enough or could there be a scope for any corrections so most exit, exit polls have predicted a sweeping victory for the BJP

और उसमें से कुछ चीज़ें बिल्कुल निकल के आई हैं साफ कि बीजेपी गेन कर रही है बीजेपी पिछले बार से ज़्यादा सीटें लाने की स्थिति में दिखा रहे हैं बीजेपी साउथ में गेन करते हुए दिखा रही है तमिलनाडु में आंध्रा में और केरला में भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी कुछ सीटें आ सकती हैं उड़ीसा में बीजेपी को गेन करते दिखा रहे हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी को गेन करते हुए दिखा रहे हैं मेरा जो अपना जो अपना एक अभी भी आई स्टिल बिलीव जैसे आपने बोला एग्जिट पोल हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग

और मतलब चार भी जा सकती है मतलब बीजेपी को तो छत्तीसगढ़ तो कोई भी बीजेपी को नहीं दे रहा था और मध्य प्रदेश में भी जो सीटें दे रहे थे बीजेपी को दे वर नॉट गिव नो एग्जिट पोल वाज गिविंग मोर देन वन टेन टू वन फिफ्टीन सीट्स इन द एंड दे वन देट ऑफ सीट्स वन सेवेंटी के अराउंड सीट्स जीत के लाए उससे पहले मुझे याद है कि जब वेस्ट बंगाल में जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें भी एग्जिट पोल हैव गॉन हॉरेबली रॉन्ग है वहाँ वो बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखा रहे थे

और प्लस इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे करोड़ों वोटर्स हैं वहाँ पे आप एग्ज़िट पोल में कितने लोगों का ले लेते हैं कोई डेढ़ लाख का सैंपल लेता है कोई दो लाख का कोई पचास हज़ार कोई साठ हज़ार हमारा जो जी का जो एक एआई एग्ज़िट पोल है अगर आप उसको देखें उसने उसमें ए आई वाला जो अपना जो जी का एग्जिट पोल है मतलब मैं उससे थोड़ा ज़्यादा रखना पसंद करूँगा मुझे लगता है कि बीजेपी 260-270 सीटों से आगे नहीं जा सक रही है इंडिया कोर्स मेजोरिटी में बीजेपी आ सकती है इंडिया के साथ बट 400 सौ पार आई डोंट थिंक कि 400 सौ पार का कोई ऐसा ही है ऑन द अदर हैंड आई स्टिल डोंट थिंक कि इंडिया ब्लॉक टू जैसा कि राहुल गांधी वगैरह क्लेम कर रहे हैं बट आई सी इंडिया ब्लॉक गेटिंग मोर देन टू सीट्स मतलब दैट समथिंग विच आई कैन सी

एक रात की और बात है और ये एग्जिट पोल एक, एक क्लोजिंग के पहले एक और सवाल था मेरा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वोटिंग शेयर वोट शेयर के लेके सो so, वोट शेयर जो है हर एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी का बढ़ेगा बट अगर जैसे ग्राउंड पे आप गए थे ये चीज हम हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग है, या, जितने या। भी पत्रकार है की वोट थोड़ा होगा दिल्कुर, दिल्कुर। नहीं। so, ये जो बढ़ने का ये आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है देखिए बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ेगा वो डेफिनेटली तमिलनाडु में दे दे विल इम्प्रूव इन तेलंगाना दे कैन इम्प्रूव इन वेस्ट बेंगलो बट बट देयर वोट शेयर विल गो डाउन इन कर्नाटका देर वोट शेयर विल गो डाउन इन बिहार इट विल गो डाउन इन हरियाणा इट विल गो डाउन इन राजस्थान इट इट कैन इट कैन गो डाउन इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो इट कैन गो डाउन इन दिल्ली ऑल्सो मतलब नॉट लॉट बट इट कैन इसलिए मतलब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चुनाव थे ये एक बहुत अलग तरह के चुनाव हुए हैं और इसमें कोई भी जंपिंग द गन की बात नहीं हाँ बट दो बातें जरूर बोलूँगा कि हाँ ये है कि मतलब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे फिनिश होगी इसमें कोई दो राय नहीं है बीजेपी प्लस एन डी ए दे विल डेफिनेटली क्रॉस मेजोरिटी मार्क इसमें भी अगर ये नहीं होता है अगर ये नहीं होता है तो फिर आप ये समझिए कि ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसको हम लोग कोई समझ नहीं पाए और अगर बीजेपी अपने दम पे तीन सौ साठ तीन सौ सत्तर सीट ले आती है तो देन अगेन आई विल से कि ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें मोदी का जो एक वेव नहीं थी जब सब लोग कह रहे थे तो एक मोदी वेव था इनविजिबल सुनामी थी बाकी जून चार को जून चार को नतीजे आने हैं आप हमारे साथ जुड़िए सुबह छः बजे से आप डीएनए के साथ जुड़िए हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होंगे अलग अलग सेक्टर के लोग होंगे जो ये बताएंगे कि इन चुनाव के नतीजों का आ, आ, हिंदुस्तान के अलग अलग सेक्टर जैसे बिजनेस सेक्टर एजुकेशन सेक्टर इन पर क्या असर पड़ेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और कल सुबह छः बजे डी के साथ जरूर जुड़ें दोनों जगह पे YouTube पे भी हम होंगे और Facebook पे भी होंगे एंड तनवीज आजम से आपको लाइव एनालिसिस भी मिलेगा चंक्स होंगे एंड प्लस हमारी रिपोर्टिंग जो होगी हमारे ऑनग्राउंड जो लोग थे वो लोग भी होंगे स्टूडियो में जो आपसे बात करने के लिए सो so, जुड़े रहें द काउंट डाउन हैज बिगन एंड लेट्स वॉच वॉट द रिजल्ट